सुप्रभात सभी को, नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आइए आज की विशेष क्लास प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने फैलाएंगे, अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानेंगे। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल भी ना उठने दें, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखें। मुस्कुराते हुए करते जाएं। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे। सभी करेंगे पूरे प्रयास के साथ करेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रखकर करेंगे। बता दो। बहुत बढ़िया। दोनों पांव की एड़ियों में 1 फीट की दूरी बनाएं और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। करिए, कोशिश करें घुटने ना उठें जी। सभी ने प्रयास करना है कि घुटने ना उठें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अभ्यास सभी का। करने से होगा। छोटी छोटी क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण। दोनों पांव को मिला लीजिए, एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से हिप से टच कीजिए, एक बार बाएं पांव की एड़ी हिप से टच कीजिए। प्रयास अवश्य हो कि हर बार मेरी एड़ी हिप से टच हो। बहुत बढ़िया, आप थोड़ा उत्साह लेकर आइए। कमर को यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करें। यही क्रिया करेंगे हम दोनों पांव से एक साथ। वेरी गुड। आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें। आंखें बंद विश्राम के वक्त अब झूला झुलाएंगे। दाएं पांव को मोड़कर हाथों का स्टैंड बनाएंगे। दोनों हाथों से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाएं। कोशिश करें एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो, पृथ्वी के समानांतर हो। इस बात का थोड़ा ज्यादा प्रयास करें। करते जाइए। आ जाएंगे वापस, इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। भी करेंगे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें।
अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की स्थिति लीजिए और पूरी मस्ती के साथ करते जाइए। सभी करेंगे, करते जाइए, करते जाइए, बिना समय गंवाए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा अच्छा अभ्यास चल रहा है जी। सभी कीजिए, थोड़ा एड़िया आगे की ओर जा रही है जी, एड़ियों को आगे की ओर बिल्कुल ना जाने दें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, होगा करने से जी, देखने से बिल्कुल नहीं होगा। मुस्कुराते रहिए, करते जाइए। हर प्रयास पिछले प्रयास से और बढ़िया हो। आ जाएंगे वापस, तनिक विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स, आंखें बंद रहे, हाथों का स्टैंड रहे, सामान्य श्वास। पद्मासन, दोनों पांव को मिलाइए, पहले राइट पांव को मोड़कर नाभि के निकट लेफ्ट साइड में रखें, फिर लेफ्ट पांव को मोड़कर नाभि के निकट दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। कमर बिल्कुल सीधी जी, कमर को बिल्कुल सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद, अपने आते जाते श्वासों को देखिए। मन हमारा शांत होता हुआ, एकाग्र होता हुआ, तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। मुस्कुराते हुए श्वास को लीजिए। तत्सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता,
और आनंद के देने वाले प्रभु आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए आइए थोड़ा ट्विस्ट करेंगे शरीर को। इसी अवस्था में बैठकर अपने कटी भाग को राइट साइड में घुमाएं। करें जी करें, सब लोग करेंगे, मुस्कुराकर करेंगे, झुकेंगे नहीं जी। दूसरी ओर से करें और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करते जाएं। बिना समय गवाएं करते जाइए। करने से ही होगा जी, देखने से बिल्कुल नहीं होगा। हर बार पिछली बार से और अच्छी कोशिश हो। आ जाएंगे वापस। वापिस आ जाइए, हल्का विश्राम ले लीजिए। अब बैलेंस बनाएंगे जी। पहले पांव को खोलकर थोड़ा विश्राम ले लें पहले, और फिर उसके बाद हम बैलेंस बनाएंगे जी। चलिए जी, पंजे के ऊपर बैठ जाएं, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले लें। सभी करेंगे जी, प्रयास जरूर करेंगे। वेरी गुड। और हाथ जोड़कर सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। करें जी, पूरे शरीर का वजन मेरा केवल और केवल पांव के पंजों पर आ जाए। मेरी रक्त प्रणाली बेहतर बनेगी, मेरा फोकस बनेगा, शरीर पर मेरा नियंत्रण आएगा। कोशिश करें जो घुटना मिलाकर कर सकें, घुटने को मिलाकर करें। थोड़ा मुस्कुराहट लेकर आइए। देखिए, रविवार के दिन सुबह सवेरे हम परिवार के साथ सुंदर योग साधना कर रहे हैं। ईश्वर की विशेष कृपा हम सब के ऊपर। बहुत बढ़िया। इस क्रिया को आंख बंद करके भी किया जा सकता है। मुस्कुराते हुए धीरे से आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे जी। खड़े होने की जो क्रियाएं हैं, मैं चाहूंगा श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी, खड़े होने की सारी क्रियाएं श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी कराएं। धन्यवाद सर। सबसे पहले करते हैं जॉगिंग। अपने आसन पर खड़े खड़े थोड़ा सा जॉगिंग करें। मस्ती के साथ करें, लेके आए शरीर में गर्मी को। आसन के आगे पीछे चलें। प्रयास करें एड़ी हमारी नितंबों के साथ लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी मुस्कुराते हुए कर रहे हैं जी, बहुत सुंदर लग रहा है। धीरे से आएंगे जी वापस। होने दें श्वास को सामान्य। लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें। बंद आंखों में करते जाएं। करते हैं जी। सबसे पहले
नस नाड़ियों में एकाग्रता बढ़ाने के लिए वृक्षासन, जिनका बैलेंस ना बने वो दीवाल का सहारा लें, अन्यथा बैलेंस बनाने का पूरा प्रयास करेंगे जी। मिलाएं एड़ी पंजे, दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें बाईं जंघा मूल पर। जब बैलेंस बन जाए पूरी तरह से, दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए ले जाएं ऊपर से ऊपर, हथेलियां मिला दें और खींचे आसमान की ओर। भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन को एकाग्र रखें, विचारों को स्थिरता दें, बैलेंस अच्छा बनेगा। एक बार बैलेंस बढ़िया बन जाता है जी, तो बहुत ही मजा आता है रुकने में, बहुत आनंद मिलता है। पैरों के जोड़ हमारे पुष्ट होते हुए, बहुत ही सुंदर स्थिति ममता जी की। रुके रुके, कुछ और रुके। धीरे धीरे पहले हाथों को लेके आएंगे साइड से नीचे, फिर पैरों करेंगे नीचे, हल्का लेंगे तनिक विश्राम। इसी क्रिया करेंगे जी दूसरे पैर से। मिलाएं एड़ी पंजे, बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को ले जाएं दाई जंगा मूल पर। बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को ले चले धीरे धीरे ऊपर, मिला दे दोनों हथेलियों को, खींचे ऊपर से ऊपर। जितना खिंचाव देंगे जी उतना बैलेंस बनाने में सहायता मिलेगी। जिनका बैलेंस नहीं बन रहा कोई बात नहीं, वो थोड़ा अभ्यास बढ़ाएं, एक दिन बहुत अच्छे से उनका बैलेंस बनने लगेगा, रुक पाएंगे अच्छे से। खींचे खींचे, ममता जी का बायां घुटना बिल्कुल 90 डिग्री पर है जी। बहुत सुंदर स्थिति ममता जी की, पूरी तरह भुजबली कानों के साथ लगी हुई है। मन हमारा एकाग्र होता हुआ, चंचलता दूर होती हुई, नस नाड़ियों में एकाग्रता बढ़ती हुई। रुके रुके, और थोड़ा सा रुके। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई तपस्वी खड़े होकर योग कर रहे हैं। धीरे धीरे हाथों को लेके आएंगे जी पहले वापस, पैरों को लेके आए नीचे, करेंगे जी बंद आंखों में विश्राम। बहुत सुंदर अभ्यास किया जी सभी ने। श्वास सामान्य करें, करेंगे जी कटी चक्र आसन। दोनों घुटनों में कंधों के समान दूरी बनाए, पंजे एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर रहे, ताकि हमारे पूरे शरीर का भार एक समान रहे दोनों पैरों पर। दोनों हाथों को लेके आए पहले सामने, कंधों के सामने लेके आए, हथेली आमने सामने। पूरी स्थिति में हाथ को खींचे रखेंगे, कोहनी बिल्कुल सीधी रखेंगे, और हाथ प्रयास करेंगे पूरे आसन के दौरान हमारे कंधों के समान रहे। खींचे खींचे, खिंचाव दे पहले दिख से देख, ताकि हमारा कटी भाग प्रभाव में आ जाए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले चले दाई ओर, बाई हथेली दाई कंधे पर, कोहनी बिल्कुल भी ना लटके, साथ साथ गर्दन भी घूमेगी, धड़ भी घूमेगा। देखें जी दाएं हाथ के अंगूठे को, उंगलियां मिली हुई, कलाई बिल्कुल सीधी, कटी भाग पर प्रभाव पड़ता हुआ। धीरे धीरे आएंगे जी मध्य में, पुनः खिंचाव दें, खींच के रखें हाथों को आगे की ओर, और श्वास भरते हुए बाईं ओर। इस बार दाया हाथ की हथेली दाएं कंधे बाएं कंधे पर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रयास करेंगे जी तलवे हमारे एड़ी पंजे आसन पर टिके रहें।
देखें देखें बाएं हाथ के अंगूठे को देखें, बिल्कुल बाएं हाथ हमारा सीधा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। अब थोड़ा सा करेंगे स्पीड से, गिनती का सहारा लेंगे, दाईं ओर बाईं ओर, दाईं ओर बाईं ओर, दाईं ओर बाईं ओर, करते जाएं करते जाएं। हाथों को खींच के रखेंगे, लटकेंगे बिल्कुल भी नहीं, साथ साथ गर्दन भी घूमेगी, घुटने हमारे भी सीधे रहेंगे। बहुत बढ़िया, करें करें करें, लेके आए जी एक बार सामने, रुकें, उन्हें हाथों को खींचे, महसूस करें कटी प्रदेश हमारा पूरी तरह प्रभाव में लगाए जी। धीरे धीरे हाथों को ले आए नीचे, करेंगे जी विश्राम। श्वास सामान्य, आंखें बंद, करेंगे जी अर्ध चक्र आसन। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला, दोनों हाथ कमर पर जैसे मुष्टासन में रखते हैं जिस प्रकार रखे हैं, चारों उंगलियां मिली हुई नाभि की ओर, अंगूठे दोनों रीढ़ के निचले छोर पर। पहले गर्दन को करेंगे पीछे से पीछे और भरेंगे श्वास, और कमर से भी पीछे झुक जाएंगे। चेक करेंगे जी, चेक करेंगे हमारा पंजों से लेकर कमर तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे, घुटनों में दबाव पीछे की ओर बना के रखेंगे, झुके कमर से देख, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने की क्षमता बढ़ती हुई, रीढ़ लचीली बनती हुई, धीरे धीरे आएंगे मध्य में, हाथ नीचे, सैनिक विश्राम। एक और करते हैं जी खड़ी होने वाला आसन, त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला बनाए, दोनों हाथों को लेंगे जी 180 डिग्री पर, कंधों के समानांतर, पूरी स्थिति में हाथ हमारे 180 डिग्री पर रहेंगे जी। दूसरा वाला कर रहे हैं जी त्रिकोण आसन, श्वास भरें, हाथों को खींचें और श्वास छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर झुकें, हाथ हमारे 180 डिग्री पर ही रहेंगे, झुके झुके दाया दाया हाथ टखने के आसपास आ जाए, बाएं हाथ आसमान पर, आसमान की ओर देखें। बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है सभी की, बाईं ओर की पसलियों पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें, नितंबों की अतिरिक्त चर्बी कम होती हुई, कमर लचीली बनती हुई, धीरे धीरे आएंगे मध्य में, हाथों को खींच के रखेंगे 180 डिग्री पर और श्वास भरें, और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं, बाया हाथ आसन की ओर, दाया हाथ आसमान की ओर, 180 डिग्री पर ही बनी रहे हमारी स्थिति। प्रयास करें आगे तनिक भी ना झुके, साइड से झुके, देखें जी दाएं हाथ की उंगलियों को, अंगूठों को, रुके रुके रुकने का मन बनाए, पुराने से पुरानी कब्ज टूटती हुई,
धीरे धीरे कमर करेंगे सीधा, आए मध्य में, हाथों को ले लेंगे नीचे, पुराने से पुरानी सब कुछ ऊंची हुई, धीरे धीरे करेंगे जी सूर्य नमस्कार। सभी आसन के अगले हिस्से पे आ जाएं, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ लगे हुए, उंगलियां मिली हुई, खिंचे हुई, आएंगे जी पहली स्थिति में। नरेंद्र जी थोड़ा माइक्रोफोन के पास रख लीजिए, आवाज कम आ रही है। अच्छा जी, अच्छा जी, दोनों हथेलियां परस्पर मिली हुई, अंगूठे का मूल भाग छाती के नीचे गड्ढे वाले स्थान पर, हमारे आसन के पैरलर, करेंगे जी सूर्य भगवान का आह्वान मित्र के रूप में, पहले सुनेंगे पश्चात मिलकर सभी साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले चले आसमान की ओर, तान दें ऊपर से ऊपर, हथेलियों का रुख सामने की ओर, भुजबली, बाइसेप्स कानों के साथ लगी हुई, खिंचाव दें अधिक से अधिक, जितना खिंचाव देंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। कंधों सहित गर्दन का दबाव थोड़ा पीछे बनाएं ताकि हमारी सर्वाइकल की गोटियां भी प्रभाव में आ जाएं। घुटने तने हुए, जंगाओं की मांसपेशियां खिंची हुई, श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे इस प्रकार आए कि भुजबली हमारी कानों से अलग ना हो, आए धीरे धीरे पूर्ण स्थिति में। पूर्ण स्थिति में 20 उंगलियां एक समान, ध्यान रखेंगे जी पूरी क्रिया में हमारे घुटने बिल्कुल भी ना मुड़े, हाथ जहां तक जाए जाने दें कोई बात नहीं, उसी को अपनी पूर्ण स्थिति माने। अधिक से अधिक पेट को पिचकाएं, थोड़ा सा और प्रयास करें माथे को घुटने के नजदीक से नजदीक ले जाने का ताकि हमारी पेट की चर्बी भी कम हो। धीरे धीरे साटिका नर्व पूरी तरह प्रभाव में आने लगी है, रुकें रुकें। अब दोनों हथेलियों को जमाए आसन पर और दाएं पैर को ले जाएं पीछे से पीछे, कमर नीचे से नीचे, सीना आगे से आगे, माथा ऊपर से ऊपर आसमान की ओर, जितना हम दाएं पैर को पीछे से पीछे ले जाएंगे जी उतना हमारे बाएं ओर के पेट के अंग खिंचाव में आएंगे, दबाव में आएंगे। दूसरे पैर को भी ले जाएं पीछे, मिला दें एड़ी से एड़ी, एड़ी को रखें आसन पर, शरीर का भार डाल दें पीछे की ओर ताकि हमारी एड़ी आसन के नजदीक से नजदीक आसन पर लगने लगे। ठुड्डी कंठकूप में पर्वत के समान स्थिति बन जाए, धीरे धीरे यहीं से आएंगे पैरलर, एक सरल रेखा में कर दे शरीर को बिल्कुल सीधा, कोहनियां घुटने बिल्कुल सीधे, हथेलियों पर
एक्वा प्रेशर के प्रभाव को पड़ते हुए महसूस करें। रुकें रुकें, शरीर हमारा सुडूल बनता है जी, सुंदरता बढ़ती है जी रुकने से। धीरे धीरे क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा, अष्टांग प्रणाम। एड़ियां हमारी खड़ी हुई, पीछे से घुटने मिले हुए, नाभि को थोड़ा सा ऊपर खींच के रखें ताकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा मस्तिष्क की ओर होने लगे। धरती माँ के प्रति पूरी तरह दंडवत, अष्टांग प्रणाम। थोड़ा सा शरीर को आगे की ओर धकेलेंगे और कोहनियों कर देंगे बिल्कुल सीधा। आ जाएंगे जी त्रियक ताड़ा, त्रियक भुजंगासन में, कोहनी बिल्कुल सीधी, उंगलियां मिली हुई, अंगूठे मिले हुए। प्रयास करें सिर का पृष्ठ भाग रीढ़ पे लगे, माथा अधिक से अधिक आसमान की ओर, रीढ़ की सभी गोटियां पूरी तरह प्रभाव में आने लगी हैं। पुराने से पुराना कमर दर्द हमारा ठीक होता हुआ। गर्दन का दबाव पीछे बना के रखें जी ताकि रीढ़ को और हमें मोड़ने में सपोर्ट मिलेगी। सामान्य श्वास में रुकें। चेक करें जी हमारे घुटने मिले रहे, थाई हमारी अवश्य आसन से लगी रहे। श्वास छोड़ते हुए बीच से धर को उठाएं। अब यहां से हमारी स्थिति रिपीट होगी जी, सभी पुनः आएंगे हम पर्वताकार स्थिति में। एड़ी हमारी आसन पर, ठुड्डी हमारी कंठकूप में, वी अल्फाबेट बनाए जी, नितम हमारे ऊपर से ऊपर, बहुत सुंदर स्थिति सभी साधकों की। दाएं पैर को लेके आए जी दोनों हाथों के बीच में, प्रयास करें एक ही बार में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो धीरे धीरे खिसका के लाएं। 15 उंगलियां एक समान, कमर नीचे से नीचे, माथा आसमान की ओर। बाएं ओर के अंग हमारे खिंचाव में, ले आए जी दूसरे पैर को भी आगे। घुटना बिल्कुल सीधा, रीढ़ पूरी तरह दोहरी हो गई जी हमारी, माथा घुटने के नजदीक से नजदीक। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर करेंगे सीधा, भुजाएं कान के साथ लगी रहेंगी, खींचे ऊपर से ऊपर हाथों को। एक बार और ले चले, कमर से थोड़ा सा पीछे झुकें, कंधों सहित गर्दन का दबाव पीछे बना के रखेंगे। सर्वाइकल गोटियां हमारी पूरी तरह प्रभाव में,
आ जाएंगे जी, नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथों को ले नीचे, बंद आंखों में अंदाजे से अपने आसन पर बैठेंगे और लेट कर करेंगे जी सब आसन में विश्राम। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें जी, संपूर्ण शरीर का करें मानसिक अवलोकन, ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। आसनों के समय हमने आसन खींच के किए, विश्राम के समय पूरी तरह शरीर ढीला, दोनों ही क्रिया एक दूसरे की पूरक है जी। इससे हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, विजय सर। बहुत सुंदर अभ्यास, मुस्कुराते रहें, पूरे शरीर को स्वस्थ महसूस करें। चेतन अवस्था में आएंगे, अपने राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से मोड़कर वज्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ के अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर लगाकर चारों उंगलियां बाहर की ओर करके घुटनों में पंजों में कंधों का फासला बनाकर धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर मोड़ना प्रारंभ करें। सहजता के साथ मुस्कुराते हुए हिप्स को बिल्कुल भी पीछे ना जाने दें। प्रयास सभी करें जिनकी कमर पूरी तरह दोहरी हो जाए, तभी आप अपनी हथेलियों से अपने तलवों को स्पर्श दें। रुकें रुकें, बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत सुंदर, सभी का बड़ा अच्छा अभ्यास, बड़ा सुंदर देख करके लग रहा है। लगातार कोशिश कीजिए कि मेरे हिप्स पीछे की ओर बिल्कुल भी ना जाएं और चेहरे पर जरा सा भी तनाव भी ना आए। पेट के सभी अंगों की मसाज, रीढ़ की गोटियां मेरी लचीली होती हुई, सशक्त आसन, शरीर के सभी अंगों को लाभ देने वाला आसन। मुस्कुराकर रुकें, थोड़ा सा और रुकें। बहुत क्षमता हमारे अंदर, उस क्षमता को पहचानिए। थोड़ा सा हिप्स पे और थोड़ा प्रयास कीजिए कि आगे की ओर हिप्स का प्रेशर बनाएं। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से मुस्कुराते हुए धीरे से वापस आएंगे, बड़ी सहजता से वापस आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन, आंखें कोमलता से बंद रहे, श्वास पूरी तरह सामान्य रहे। इसी का विपरीत आसन करेंगे, मंडूक आसन, दूसरी स्थिति नाभि वज्रासन। बाई हथेली से अपने नाभि को ढक लीजिए कप बनाकर, दाई हथेली बाई हथेली के ऊपर। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकें, गर्दन पीछे से पीछे, गर्दन बिल्कुल ना झुके। कोशिश करें ठुड्डी आसन के निकट पहुंचे लेकिन हिप्स एड़ियों से बिल्कुल भी ना उठें। नाभि वज्रासन बोलते हैं, मंडूक आसन की दूसरी स्थिति है। इससे मेरा लीवर, मेरी पैनक्रियाज स्वस्थ हो जाती हैं। थोड़ा ज्यादा देर रुकना होता है,
कोशिश जरूर करें, मुस्कुराते रहें, लगातार गर्दन पीछे से पीछे, एड़ियां और मेरे नितंब आपस में स्पर्श करते रहें। क्षमता लेकिन जरूर ध्यान में रखें, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना जी, हमने कोशिश हम सब ने जरूर करनी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा अच्छा अभ्यास हो रहा है जी, बहुत सुंदर, मैं आप सबको देख पा रहा हूं। बहुत सारी फैमिलीज हमारे साथ YouTube से जुड़ी हुई हैं। मन में ऐसा प्रयास भाव लेकर आइए कि मेरी शुगर की प्रॉब्लम दूर हो रही है, मेरे पाचन अंग सक्रिय हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, मुस्कुराकर, आंखें कदापि ना खोलें, उन्हें एक बार वज्रासन में आए, यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाई ओर। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा साधक साधिकाएं हमारे साथ इन्वॉल्व हों, सबको अपॉर्चुनिटी मिले, ना केवल डेमो के लिए बल्कि आसन के अभ्यास के लिए। पेट के दो आसन सगुप्ता परवीन जी, थोड़ा तेज आवाज में बोलेंगे, माइक के निकट आकर बोलेंगे। ओके सर, आवाज जा रही है ठीक है जी, बोलिए। पेट के बल या जाने वाला दो आसन मैं कराऊंगी आज। एक है भुजंग आसन, मन बना लें भुजंग आसन के लिए। सबसे पहले एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने लिटा के बाहर की ओर, दोनों हाथ रखेंगे मुख से दाएं दाएं, माथा आसन पर, कुंडलियों को पसलियों से छपाने का प्रयास करें। प्रारंभिक स्थिति अच्छी बनेगी तो काफी अच्छा आसन का लाभ मिलेगा। अंगूठे उंगलियों से मिली हो आसन पर, अब धीरे से सिद्धि उठाइए और गर्दन को पीछे से पीछे करें। श्वास भरते हुए पेट को भी उठाइए, सर को उठाते हुए ध्यान रखें कि आपका जो वजन है वो कुछ आपकी देरी पर आए। आवाज नहीं आ रही पूरी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, प्रातः रहिए जी। कोनी भी स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे थोड़ी उठ जाएगी। ध्यान रखें हथेली पर नाम मात्र का वजन आए, सारा प्रेशर आपकी देरी पे। तो बहुत ही सुंदर आसन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ध्यान रखें पीछे से हमारे एड़ी और पंजे मिले हुए ऑक्सीजन देने भरने की क्षमता बढ़ती है। इसे पांच की क्वांटिटी से सीखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे पहले अपने फेस को नीचे लाएं, फिर अपनी सिद्धि को आसन से लगाएं, माथा और सिद्धि आसन में आ जाए। सामने बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए, शरीर पूरी तरह सीधा। कॉन्सेंट्रेट करें अपने आते जाते हुए। अब हम करेंगे पहले रिलैक्स, अपने आप को सहज कर ले,
अब हम करेंगे पेट के लिए एक दूसरा आसन, धनुष आसन। मन बनाए धनुष आसन के लिए। धनुरासन करने जा रहे हैं हम लोग। हल्की सी आवाज थोड़ी कम है, अगली बार और थोड़ी हम टेस्टिंग करके करवाएंगे। जल्दी से मेरी आवाज पर करें धनुरासन। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, एक साथ दोनों हाथों से दोनों पांव के टखनों को पकड़ें, मन बनाएंगे। पहले अधिकाधिक श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठाएं, थाई उठाएं, श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, एड़ियों को दूर से दूर लेकर जाएं। बहुत बढ़िया, पूरे पेट के ऊपर सुंदर प्रभाव आ रहा है। कोशिश जरूर करें गर्दन इतनी पीछे कि माथा आकाश की ओर हो जाए। बिना किसी तनाव के सामान्य श्वास में रुकें, पंजे तान के रखें जी, पंजे तान कर रुकें। बहुत बढ़िया, रुकें रुकें रुकें, फायदा रुकने से ही होना है जी। बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा अच्छा। रेखा जी, ममता जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहता जी सब लोग बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, श्रीमान नरेंद्र सिंह जी बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, मुस्कुरा कर रुकिए, थोड़ा सा और रुकिए। गीता नेगी जी वेरी गुड, सबका बड़ा अच्छा प्रयास है जी। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, पटकेंगे नहीं, वापिस आ जाएं। राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम, पीठ के बल आ जाएं, पीठ के बल विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास, कोशिश करें आंख खोलने की आवश्यकता बिल्कुल ना पड़े। अंदाज से अपने आसन के मध्य भाग में हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां बिल्कुल शिथिल, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। विपरीत करणी क्रिया करेंगे, दोनों हथेलियां शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई, पंजे को तानेंगे, मन बनाएंगे, मुस्कुराकर दोनों एड़ियों को 30 डिग्री पर उठा दें, 30 डिग्री पर। शब्दों पर चलेंगे जी, रुके पांच की काउंटिंग, एक दो तीन चार पांच, फिर 60 डिग्री पर लेकर जाएं, पुनः रुकें, एक दो तीन चार पांच, 90 डिग्री पर लेकर जाएं, पुनः रुकें, कोशिश जरूर करें, एक दो तीन चार पांच। अब 120 डिग्री पर कोशिश करें, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुस्कुराकर रुकें, एक दो तीन चार पांच, उन्हें 90 डिग्री पर आए, पटके नहीं, हाथ हटा लें, फिर से पंजों को ताने आकाश की ओर, आंखें मंद, एक दो तीन चार पांच, 60 डिग्री पर लेकर आए, पंजा ताने, एक दो तीन चार पांच, 30 डिग्री पर लेकर आए, एक दो तीन चार पांच, बिल्कुल फूल की तरह जितना समय लगाते हुए बिल्कुल आराम से वापस आएंगे, पटकेंगे नहीं जी। पेट के ऊपर बहुत सुंदर असर आता है। पांव को शिथिल छोड़ दें, आंखें कोमलता से बंद रहे, श्वास पूरी तरह सामान्य, अपने आप के ऊपर प्राउड फील करें, उस प्रभु का दिल से आभार व्यक्त करें। मुश्किल आसन को भी कितने आराम से, कितनी सहजता से कर पा रहे हैं हम लोग। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। अब हम एक बढ़िया आसन और करेंगे,
राइट साइड में जैसे विष्णु भगवान का पोस्चर होता है, इस प्रकार दाई करवट लेकर राइट साइड की करवट लेकर लेट जाएं। राइट साइड की करवट में बाएं हथेली बाएं पांव के ऊपर, पंजे से पंजे मिले हुए, एड़ी से एड़ी मिली हुई, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, शब्दों पर ध्यान देंगे, जबरदस्ती कोई भी ना करे। मुस्कुराते हुए अपने पहले लेफ्ट पांव को उठाकर थोड़ा घुटने से मोड़कर हाथ के अंगूठे और पहली उंगली से छल्ला बना लीजिए, पांव के अंगूठे को पकड़ लीजिए और अब श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं, घुटने को सीधा कर दें, लगातार आपका छल्ला बना रहे और नीचे वाले पंजे को तान के रखें। करें करें करें, कोशिश करें घुटना मेरा सीधा हो जाए, कोशिश जरूर करें जी। दूसरे पांव का पंजा तना रहे, पूरी तरह में अंगूठे को पकड़ पाऊं। बहुत सुंदर अभ्यास, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया होगा लेकिन करने से जी, देखने से तो बिल्कुल नहीं होगा। सुनंदा जी बहुत बढ़िया स्थिति, बस मुस्कुराते रहिए, थोड़ा ज्यादा देर मन बनाइए रुकने का। कोहनी से लेकर पांव के पंजे तक, एड़ी तक, शरीर बिल्कुल सीधा, आंखें बंद। मेरे पांव के जोड़ विशेष प्रभाव में आ रहे हैं, कंधे पर खिंचाव आ रहा है, बड़ी विशेष स्थिति है। थोड़ा मन बनाइए, आज रविवार का दिन, 15 मिनट हमारी क्लास एक्स्ट्रा भी रहेगी। धीरे धीरे एक बार हाथ को छोड़ हटा लें वहां से और तानते हुए सीधा रखते हुए हाथ पांव एक सिमिट्री में नीचे लेकर आएंगे, आराम आराम से नीचे लेकर आएंगे। थोड़ा कमर के बल आकर हल्का सा सामान्य हो जाएं, हल्का सा अपने आप को सहज कर लें, कमर के बल आकर विश्राम ले लें शब्दों पर। और फिर उसके बाद जब पूरी तरह सामान्य हो जाए, एक दो श्वासों का आराम हो जाए, तो लेफ्ट साइड में घूम जाए, करवट ले लें। फिर से मन मनाएंगे, पिछली बार से और अच्छा प्रयास करेंगे। उन्हें एक बार पंजों को ताने, राइट पांव को मोड़कर पहले छल्ला बनाएं, अंगूठे पहली उंगली से उसको अच्छे से क्रिप करें छल्ला बनाकर, और श्वास भरते हुए कर दे पांव को आकाश की ओर सीधा, खींच दे भुजाओं को, भुजा को। वेरी गुड, आंख बंद करके जो पांव सीधा है, नीचे है, उसका पंजा भी तना हो जी, उसका पंजा ढीला नहीं छोड़ना हमने। हम कई बार ऊपर वाले पांव पर ध्यान देते हैं लेकिन नीचे वाले पर भी ध्यान देना है जी आपको। आंखें बंद करके मुस्कुराकर रुके जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत बढ़िया प्रयास है। देखिए घुटना जितना सीधा रहेगा उतना बढ़िया मेरा खिंचाव, मेरे प्रजनन अंग स्वस्थ होंगे, मेरी साइटिका नाड़ी स्वस्थ होगी, मुझे बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनका अभ्यास नहीं हो रहा वो भी धीरे धीरे अपनी व्यक्तिगत साधना में आप इसको शामिल करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से सब चीज आपके लिए बड़ी सहज हो जाएंगी, सुलभ हो जाएंगी। बहुत बढ़िया गीता जी, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। रेखा जी, नरेंद्र जी, एक बार अपने हाथ को छोड़कर पांव को आकाश की ओर ताने, और फिर तानते हुए ही बिल्कुल धीरे धीरे समय लगाते हुए आराम आराम से वापस आए, पांव के पटकने की आवाज नहीं आए जी। कई बार हम बिल्कुल छोड़ देते हैं झटके से, ऐसा बिल्कुल ना करें। आ जाएंगे पीठ के बल, सब आसन में विश्राम, दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से गैप कर लीजिए, हाथ को आधा फीट शरीर से अलग कर दीजिए और मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए।
एकदम शिथिल शरीर, आनंद की अनुभूति, रोम रोम मेरा प्रफुल्लित। कितने सुंदर आसनों का हमने अभ्यास किया, मेरी पेट, मेरी रीढ़, मेरे पांव के जोड़, मेरा घुटना, मेरी कलाइयां, सभी के सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं। ईश्वर की कृपा से जब से हम योग से जुड़े, मेरे जीवन में विशेष पॉजिटिव परिवर्तन आ गए हैं। परिवार का माहौल अच्छा हो गया है, काम भी मैं रुचि के साथ करता हूं, हर कार्य में मुझे एफिशिएंसी नजर आ रही है। मैं इस मार्ग को हमेशा पकड़ के रखूंगा। दिन की शुरुआत सदैव मैं योग साधना से ही करूंगा करूंगी, ऐसा संकल्प लीजिए। मुस्कुराइए, एड़ी पंजे मिलाइए, चेतन अवस्था में आइए, राइट साइड की करवट लीजिए और उठ करके बैठ जाएं। उठ करके बैठ जाएं, हंसी करेंगे। पहले हम मूक हंसी करेंगे परिवार के साथ, बिना दांत दिखाए। मैं सबको देख पा रहा हूं, बाद में भी हम वीडियो को देख पाएंगे। मूक हंसी बिना दांत दिखाए, तो मस्ती के साथ, पूरी मस्ती के साथ, पेट में दर्द हो जाए ऐसे हंसना प्रारंभ करें। एक बार जोर से हंसेंगे। हंसते जाए। अंतिम आवृत्ति। शांत, आंखें बंद करके पूरी तरह शांत हो जाएं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। अब कोशिश करेंगे शांति पाठ से पहले हमें आंख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। अपनी सुविधाजनक स्थिति में बैठें, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, सुंदर मौसम का आनंद लें। रीढ़ लगातार सीधी, मेरे वरिष्ठ साथी चेयर पर बैठ जाएं। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें, लेकिन मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर इसी प्रकार बनी रहे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, वज्रासन में बैठ पाएं वज्रासन में करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, कंधे के निकट रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर श्वास भरकर पांच उंगलियों को खोलेंगे। खींचे ऊपर से, ऊपर खींचे ऊपर, और शक्ति लगाकर नीचे लेकर आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे।
करते जाएं करते जाएं। बहुत बढ़िया, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, शक्ति दोनों अवस्था में। चेहरे की आकृति बिल्कुल ना बिगड़ने दें। करें करें करें, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप लोग। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। सुंदर फेफड़ों में आए हुए प्रभाव को देखिए, अपनी श्वसन प्रणाली को महसूस कीजिए। मेरे फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन भरने में सक्षम हुए। मुस्कुराते रहिए जी, कंधे भी मेरे प्रभाव में आए। आंखें जरूर बंद रखिए, सामान्य श्वास होने दें। इसी क्रिया को अब की बार हम सामने से करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेकर जाएं, मुट्ठी बनाएं और फिर जैसे अभी लेकर आए थे ऐसे पीछे लेके जाएंगे कोहनियों को। 10 से 15 आवृत्तियां शुरू करें। करते जाएं करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। बहुत सुंदर, थोड़ा झटका देना है जी हमने, प्रयास सभी ने करना है। ऐसा सोचिए जैसे नेचर से मैं शक्ति लेकर मुट्ठी बनाकर अपने पास लेके आ रहा हूं। करिए करिए, आवृत्ति को पूरा करके पुनः शांत। आंखें कदापि ना खोलें, शरीर में आई हुई एनर्जी को, विशेष शक्ति को फील करें। प्राणायाम अगर हम आसनों का अभ्यास करके करते हैं तो हमें ज्यादा लाभ मिलता है। सही मायने में हम प्राणायाम के हकदार तभी बनते हैं जब हमने आसनों का अभ्यास किया, शरीर में स्थिरता आई। स्थूल शरीर को प्रभावित करेंगे पहले, तभी हम सूक्ष्म शरीर को अच्छे से प्रभावित कर पाएंगे। पद्मासन, सुखासन, जैसी भी अवस्था में बैठें, अग्नि सार क्रिया करेंगे। पेट को कम करने के लिए, पाचन को सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, जठर अग्नि को तीव्र बनाने के लिए अग्नि सार क्रिया। मुस्कुराएंगे, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़कर शरीर को स्थिर करेंगे। मुस्कुराते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास को भर लें। एक बार पुनः धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अब की बार मूल बंद लगाकर श्वास को बाहर रोक दें और बाह्य कुंभक में धीरे धीरे पेट को अंदर की ओर लेकर जाएं, रीढ़ की ओर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। ऐसे अपने नाभि की पंपिंग कीजिए, करिए जी। जितनी देर श्वास को बाहर रोक सकें उतनी देर करिए। जब आपको लगे कि संभव नहीं है तब आप श्वास को भरेंगे, सामान्य करेंगे अपने आप को और इसकी अगली आवृत्तियों को दोहराते जाएंगे। करें जी करें। पेट की विशेष मसाज होती है, बहुत सुंदर क्रिया है। कोशिश जरूर करें कि मूल बंद लगा रहे। करें करें करें, आंखें बंद करके महसूस कीजिए कितनी बढ़िया बढ़िया क्रियाएं हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है। बिना हाथ लगाए, बिना किसी दवाई के पेट के सभी अंगों की हम मसाज कर पा रहे हैं। इस क्रिया के करने से केवल पाचन ही बढ़िया नहीं बनता बल्कि पेट का बढ़ा हुआ मोटापा भी कम हो जाता है जी। बिना तनाव के करिए, श्वास टूटे नहीं जी बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा शक्ति नहीं लगानी आपने। जैसे ही आपको लगे कि नहीं हो पा रहा
वापिस आकर सामान्य होकर अगली क्रिया करें। कमर को सीधा रखकर करें जी। कमर कुछ साधकों की नेचुरल रूप से झुक जाती है, लेकिन जब भी आपको ध्यान आए आप अपनी कमर को लगातार सीधा रखें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया चल रही है जी साधना आप सबकी, बड़ा अच्छा लग रहा है। करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। ईश्वर की विशेष कृपा है हम सबके ऊपर, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। आवर्ती को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापिस सामान्य श्वास, पुनः मानसिक अवलोकन, पुनः महसूस करेंगे मेरे पेट के अंगों पर आए हुए प्रभाव को। जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ता है जिससे निष्कासन सहज होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। आइए अगला आसन करेंगे, अगला प्राणायाम करेंगे हम, पलावनी प्राणायाम। बिना पानी के कुंजल, मुख द्वारा जैसे पानी पीते हैं ऐसे घूट घूट करके थोड़ा सा पानी पीजिए, फिर जैसे थोड़ा सा लीजिए श्वास, फिर थोड़ा और लीजिए श्वास। किस्तों में ऐसा 4 से 5 बार कम से कम श्वास को भर लीजिए। अधिकाधिक श्वास जब भर जाए तो श्वास को अंदर रोक लीजिए, मूल बंद लगा लीजिए, अंदर ही श्वास को रोक के रखें, हलचल होने दें पूरे पेट में। और जब लगे नहीं संभव हो रहा, कमर के निचले हिस्से से आगे झुकें और एक साथ जीवा को बाहर निकालकर पूरे श्वास को बाहर उड़ेल दें मुख द्वारा। करें जी, बहुत सुंदर। 4 आवृत्तियां और करें इसकी, पूरे मन से करें जी, पूरे विश्वास के साथ करें जी। किस्तों में घुट घुट करके अधिकाधिक श्वास को भरना, अंत में आंतरिक कुंभक में रुकना, यथासंभव रुकना, और जब नहीं रुका जाए एक साथ पूरे श्वास को बाहर उड़ेल देना। जैसे बाथरूम में या कहीं पर कोई नाली रुक जाती है तो हम बाल्टी पानी की भर के भरने में टाइम लगता है, लेकिन एक साथ हम पूरे प्रेशर से पूरी बाल्टी का पानी वहां पर एकदम से डालते हैं, जिससे वो रुकी हुई नाली साफ हो जाती है। वही क्रिया हम कर रहे हैं जी। इससे मेरे शरीर की गंदी गैसें अपना स्थान छोड़ती हैं और वहां पर शुद्ध ऑक्सीजन स्थान ले लेती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लगातार खुशी के साथ करें, एक अंतिम आवृत्ति और करें। आज हमारी क्लास 7 बजे तक चलेगी, समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
आवृत्ति पूरी करके शांत सामान्य श्वास, कोई हिलडुल ना हो, शरीर पर आए हुए प्रभाव को देखिए। आइए कुछ क्रियाएं करते हैं हम लोग अपने माइंड के लिए, फेस के लिए। बंद आंखों में या खोलकर अपने मुख में जैसे पानी भरकर कुरला करते हैं, ऐसे अपने मुख में हवा भरकर और उसको 5 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। बड़े से बड़ा घेरा बनाकर करिए जी, बहुत बढ़िया क्रिया है ये हमारे माइंड के लिए और फेस की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। सभी करेंगे। अभी हमने जीभ को नहीं घुमाना, केवल उसमें जैसे पानी भर के हम पानी को घुमाते हैं, ऐसे कुरला करते हैं, ऐसे हमने घुमाना है जी, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। क्रिया पूरी होने पर आ जाएंगे वापस, श्वास को सामान्य करेंगे, महसूस करेंगे प्रभाव को। अब इसी की एक दूसरी क्रिया करेंगे, अपनी जीवा को अधिकाधिक बाहर निकालें, जैसे हम सिंहासन करते हैं, ऐसे मेरी गले की मांसपेशियों पर प्रभाव आए और जीवा को बाहर निकला रहने दे और जैसे श्वास को थोड़ा हल्का शक्ति से थोड़ा छोड़ें, फिर ऐसे 5 से 7 बार करें। करते जाएं जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकाल कर करते जाएं, गले के ऊपर उसका प्रभाव आए, खिंचाओ। आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस, सामान्य श्वास, रिलैक्स, आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने चेहरे को एक बार जैसे लेफ्ट साइड में करेंगे, एक बार राइट साइड में करेंगे, ताकि मेरे चिन की मसाज हो, गाल की मसाज हो। एक बार गर्दन नहीं घुमाएंगे जी, जैसे हम अपने आप को लेफ्ट में ऐसे घुमाएंगे जी, कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप जो है मेरे को देख लेंगे। वापिस थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर दें। अब इस जो है अपनी जीभ को हम अपने दांतों के बाहर की साइड से घुमाएंगे, बड़े से बड़े 5 सर्कल क्लॉकवाइज बनाएंगे, 5 एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। करें जी करें। बहुत बढ़िया करते जाइए। बहुत सुंदर,
बहुत बढ़िया प्रभाव आ रहा है। दांतों के बाहर की साइड से 5 बार क्लॉकवाइज घुमाना, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, हर एक दांत को मेरी जीवा टच करते हुए जाए। आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद ही रहे। अगला प्राणायाम करेंगे, अपने दांतों को भींचकर शक्ति लगाकर मुख द्वारा श्वास को अंदर खींचें, शीतकारी प्राणायाम, खींचें अंदर से अंदर, आंतरिक कुंभक में रुकें, मूलबंध लगाकर रुकें, और जब लगे नहीं रुका जा रहा, नासिका द्वारा बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। बहुत बढ़िया है जी, इससे पायरिया का रोग खत्म होता है, दांतों में से रिलेटेड जितने भी रोग है वो भी खत्म होते हैं। विश्वास के साथ करेंगे, पूरा लाभ लेकर जाएंगे जी। जब श्वास भरेंगे, शक्ति लगाएंगे, आवाज आएगी जी उसकी, श्वास को खींचना है आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए, 5 से 7 आवृत्तियां करिए इसकी, गर्मियों में बहुत ही लाभकारी है। गर्मियों के रोग भी ठीक होते हैं, शरीर में ठंडक आती है। करें जी 2 से 3 आवृत्तियां और करें, सभी करेंगे जी। दांतों को भींचकर श्वास को भरना, फिर उसके बाद होंठ बंद, श्वास को रोकना आंतरिक कुंभक में, और फिर उसके बाद ना रुका जाए, बिना आवाज के नासिका द्वारा श्वास को बाहर छोड़ना। अंतिम आवृत्ति और कीजिए, आवृत्ति को पूर्ण करके आ जाएंगे वापस। हिलडुल ना हो, कमर को एक बार फिर से चेक कीजिए, कहीं कमर तो नहीं झुक गई आगे मेरी। सामान्य श्वास, सुंदर प्रभाव को देखिए, मुस्कुराते रहिए। अंतिम प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, अंगूठा दाएं नोस्टल पर, अनामिका बाएं नोस्टल पर, अनामिका को हटाएंगे, मुस्कुराकर बिना आवाज किए श्वास को भरेंगे। नोस्टल बंद करके अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को छोड़ेंगे। अब राइट से भरेंगे और लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें जी। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहे, शब्दों पर ध्यान दें, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखें, अंगूठा पहली उंगली टॉप से मिली हुई छल्ला बना हुआ, बाकी तीनों उंगलियां सीधी तनी हुई आसन की ओर उनका रुख। सुंदर सुंदर प्राणायाम, घर बैठे हम कर पा रहे हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो अपने दिन की शुरुआत
सातों दिन, पूरा महीना, पूरा साल योग से करते हैं। योग का कोई अल्टरनेट नहीं है, जितनी जल्दी इसको अपना लेंगे उतना जीवन हमारा बढ़िया हो जाएगा, उतना हम डॉक्टरों से दूर रहेंगे, हर वक्त हम प्रसन्न रहेंगे। सबसे टॉप प्रायोरिटी मेरी योग हो, हर चीज बाद में। एक संकल्प हम कई बार कर चुके हैं, करवाते रहते हैं, जिस दिन मैं योग साधना ना करूं एक वक्त का भोजन अवश्य मैं त्याग दूंगी। योग के साथ साथ भोजन पर विशेष ध्यान देना है जी हमने। मुझे पूरा विश्वास है जितने भी साधक साधिकाएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो रात का भोजन 7 बजे के अराउंड कर लेते हैं, मैक्स टू मैक्स 7:30 या 8 o'clock, इसके बाद आप डिनर नहीं करते, ऐसा मेरा विश्वास है। और सभी आप लोग स्नान करके जुड़ रहे हैं इस योग मंदिर में। योग मंदिर में अगर हम आते हैं तो स्नान करके ही आना चाहिए, करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं से भरना बाएं से छोड़ना, बाएं से भरना दाएं से छोड़ना। अंतिम आवृत्ति में बाईं ओर से श्वास को छोड़ेंगे, आवृत्ति को पूर्ण करेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, सुंदर अनुभूति, सुंदर आए हुए परिवर्तन को देखिए, अपनी पॉजिटिव मन स्थिति को देखिए, कितना आनंद, कितनी खुशी, कितनी शांति का एहसास। आइए 5 मिनट उस प्रभु का ध्यान करें, दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में या अपनी सुविधाजनक स्थिति में, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे, पूरे भाव से पूरे परिवार के साथ आइए उस प्रभु को पुकारें, उसके सुंदर नाम को पुकारें। भरिए श्वास,
शांत, शांत भाव से बैठ, मन ही मन सुंदर ओम का ए जपा जाप करते जाएं, हर श्वास पर श्वास में ओम को जोड़ दें। शरीर का हरेक अंग इस ओम की वाइब्रेशन से फलीभूत हो, स्वस्थ हो। बार बार उस प्रभु का ध्यान, उस प्रभु की फील महसूस कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इसी प्रकार आप हमें संभाल कर रखें, इसी प्रकार मैं परिवार के साथ सदैव योग से जुड़ूं। कितना आनंद, कितनी खुशी खोए रहे प्रभु के ध्यान में। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जीवन मेरा, जीवन मेरा। हृदय में धारण करें प्रभु को, उन्हें एक बार संकल्प को दोहराएं, कल फिर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, समय से पहले जुड़ेंगे। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास लीजिए। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्ष गं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बैठे रहें, अभी कोई हिलडुल ना करें, शांति की फीलिंग लगातार बनी रहे। बंद आंखों में अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, योगिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और इस योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। भगवान सूर्य नजर आ रहे हों, भगवान सूर्य का दर्शन करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम देते हैं। सभी जुड़े हुए साधकों का, जितने भी साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, जूम पर, उन सब का पूरे परिवार के साथ धन्यवाद देते हैं। श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी का विशेष धन्यवाद, जिनके सहयोग से ये सुंदर प्रसारण आपके पास पहुंच रहा है। इसी प्रकार आप जुड़े रहें, पूरे परिवार के साथ जुड़े रहें, समय से जुड़ें। जूम से जुड़े हुए साधक कुछ देर और जुड़े रहेंगे, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक अभी आवाज नहीं आएगी।